नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और सब्जेक्ट रहेगा इस बार मकर राशि फलादेश 15-8 से लेकर 15-9-2021। मकर राशि की बात हो रही है, कैप्रिकॉर्न की बात हो रही है और यहाँ मून साइन चंद्र कुंडली से प्रेडिक्शन किया जाता है। जो मकर राशि है वो शनि के घर की राशि है और शनि खुद आपकी राशि के अंदर अभी भ्रमण कर रहा है और 7.5 का जो आपको प्रभाव है उसमें ऑलरेडी आपने 2.5 साल पास किए हैं और दूसरे 2.5 साल का अभी आप फेस कर रहे हो, उसका सामना कर रहे हो। तो 7.5 व्यक्ति पर्सन को सबसे पहले मजबूत बनाती है, स्ट्रांग बनाती है। हर तरीका दुनिया का, संसार का सीखना कैसे वो बताती है। आपको सिचुएशन एकदम अलग सिचुएशन में ला के खड़ी कर सकती है 7.5। जो सिचुएशन पहले थी, नए लोग, नया माहौल, नई बातें, नया एरिया, नया शहर, नया गांव, नया कंट्री, ये सब चीज़ें भी आपको दिखा सकती है 7.5 के अंदर। इसलिए 7.5 में आपको तजुर्बा आपको बहुत होगा, वो जिंदगी में आपको काम लगेगा। आप कितने भी सीखे हुए फिर भी 7.5 में व्यक्ति पर्सन को और सीखने को मिलता है। अभी भी आप कच्चे हो, अभी भी आप पके नहीं हो, वो चीज़ यहाँ शनि साबित करता है। अभी देखते हैं, यहाँ 30 डेज के अंदर आपको बहुत सारे उपलब्धियाँ मिलने वाली है। घर में कोई नया मेहमान आ सकता है, नई बहू आ सकती है या नया बाल गोपाल आ सकता है। कुटुंब फैमिली से आपको बहुत अच्छे रिश्ते आपके जुड़ सकते हैं। कुटुंब फैमिली से आपको कोई अच्छे न्यूज़ मिल सकते हैं। आपके साथ जो बिगड़े हुए रिश्ते हैं वो बन सकते हैं। कुटुंब फैमिली आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ला सकती है, तोहफे ला सकती है, आपके लिए कोई अच्छे सरप्राइज़ भी ला सकती है। इसलिए कुटुंब फैमिली से फ़ायदा होगा, कुटुंब फैमिली में आना जाना होगा, बैंक रिलेटेड काम बनेंगे, बैंक से जो काम रुके हुए उसमें कुछ इम्प्लीमेंट होगा। बैंक से अगर आपने लोन वगैरह रखी है तो वो पास हो सकती है, बैंक आपके फेवर में आ सकती है। बैंक से अगर आपका इश्यू चल रहा है तो बैंक अभी नॉर्मल होगी और आपको पोलाइटली आपको सपोर्ट करेगी। यहाँ भाग्य का स्वामी भाग्य स्थान में, कर्म का स्वामी कर्म स्थान में, ये एक बहुत बड़ा राजयोग है। ये कुंडली में बहुत ही ज़बरदस्त राजयोग चल रहा है। देखिए, भाग्य का स्वामी भाग्य स्थान में होता है तभी व्यक्ति पर्सन बहुत अच्छी ऊंचाई सिर करता है, वो सक्सेस उसके कदमों में आके चूमती है। इसलिए यहाँ भाग्य का स्वामी भाग्य स्थान में और कर्म का स्वामी कर्म स्थान में, देखिए ये शुक्र इतने तेज होके और वो आपकी राशि के मेन जो रोल है शुक्र का, वो राशि का आपको प्रभावित करेगा। अभी जो भी कपड़े से, डायमंड ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, फैशन जगत से जुड़े हुए लोग हैं, फिल्मी जगत से जुड़े हुए लोग हैं, बार रेस्टोरेंट, खाना पीना, मौज शौक, लग्जरियस गाड़ी में घूमना, ये शुक्र के शौकीन है, ये शुक्र के शौक है। तो यहाँ आप मकर राशि वाले हैं और अगर आपका शुक्र स्ट्रांग है, विनस, तो इस टाइम में आपको बहुत सारे इस टाइप के तोहफे मिल सकते, कोई गिफ्ट मिल सकता है, कोई आपको गिफ्ट भी दे सकता है। ऑर्नामेंट्स गिफ्ट हुआ हो सकती है आपको, डायमंड गिफ्ट हो सकती है, या आप नए कपड़े परचेस करोगे, घूमना फिरना रहेगा, होटलों में खाना रहेगा, गाड़ियाँ आएगी नहीं, ये सब चीज़ें अभी बनने वाली है इस टाइम के अंदर। इसलिए मकर राशि अभी कोई टेंशन नहीं है, अभी काम आपका अच्छा बनेगा, ससुराल से अच्छे न्यूज़ मिलेंगे, ससुराल से आपका रिश्ते बनेंगे, टूटे हुए हैं तो ससुराल में आपको सामने चल के कोई अच्छे प्रसंग में आपको जाना पड़ सकता है, वहाँ आपको बहुत मान इज्जत से भी वो लोग बुला सकते हैं। इसलिए अभी का टाइम आपके लिए बहुत फेवरेबल है, ध्यान दीजिए, कुंडली बहुत स्ट्रांग चल रही है, ये टाइम बार बार नहीं आता है। 30 डेज का फ़ायदा उठाइए, ये आपका आने वाला कल सवार सकता है। ऐसे और वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।